मच्छो बड़े आराम से सुनो भोसड़ी के सुबह सुबह ना मूड तो खराब करो मत ठीक है छोड़ो तो मैं चार बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ IAS बनो और देश को संभालो लेकिन नहीं तुम्हारे गांव में चनूने काट रहे हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज के स्पॉन्सर के बारे में जान लेते हैं क्या कभी आपने ट्रेडिंग को अपनी पूर्णकालिक नौकरी बनाने का सपना देखा है मार्केट लीडिंग प्लेटफॉर्म यानी कि एक्सपर्ट ऑप्शन में शामिल होइए और हमारे डेमो $10,000 का अभिगम कीजिए और 100 से अधिक संपत्ति पर व्यापार करें USD से बिटकॉइन तक आपके निपटान में कई उपकरणों के साथ आपको व्यापार करने में मदद करने के लिए जिनमें से कुछ शामिल हैं बाजार पर उपलब्ध सभी प्रभावी संकेतक और संकेत एक्सपर्ट ऑप्शन पर जाकर अपना अकाउंट पंजीकरण करें तो यार जल्दी से जाके डाउनलोड कर लो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन इलेक्शंस के रिजल्ट में हमारे अर्णव गोस्वामी इतने खो गए कि उन्होंने सनी देओल को सनी लियोनी बोल दिया 1000 वोट इन बेगूसराय बेगूसराय ओके ना देयर इज अ स्विच इन सनी लियोन अरे यार इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है बंदा जो चीज पूरे दिन देखेगा वही तो मुंह से निकलेगा मतलब पब्लिक से वादे भी ऐसे ऐसे किए थे शौक मत होना अभी धमाका बचने जा रहा है 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल ₹72,000 देने जा रही है पब्लिक को भी समझ में आ गया चल झूठा और भाई इलेक्शंस के बाद तो अलग ही हाल हो चुके हैं नरेंद्र मोदी जी मुझसे नफरत नहीं करते हैं नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस से नफरत नहीं करते हैं जवाहरलाल नेहरू राजीव गांधी से नफरत नहीं करते नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं तो बात कर लेते हैं आज के मीम्स मेमे मामा की राहुल अमेठी स्मृति ईरानी अगर लौंडा साला यहाँ भी हार गया तो जीतेगा कहाँ अपोजिशन कैंडिडेट एट द मोमेंट नीचे से देख नीचे से ऑल द अपोजिशन राइट नाउ सही बात है यार इस बार तो मतलब सबके हाल ऐसे हो गए थे कि यार हमको ये खेला खेलना ही नहीं तुम्हारे साथ तुम अकेले खेलो भैया भक्त शोइंग इलेक्शन रिजल्ट 2019 टू अपोजिशन पार्टी EVM हैक थे नहीं बोलने का वोट भी दिया करो सालो अंग्रेज समझ के हाथ मिलाना है तो दिस इज गुड वन इलेक्शन वगैरह तो ठीक है एंटरटेनमेंट में कोई कमी रही हो तो बताओ नहीं भाई एंटरटेनमेंट में तो अगर कपिल 9 है तो ये 10 है नहीं मानते तो आप खुद ही देख लो नमस्कार ये तो लावणी वाला है आपने आपने सुना नहीं नमस्कार अब भाषण बोलने दीजिए मुझे अच्छा बोल द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू डू हम लोग चाइनीज खाता है बाबा समझता नहीं है गलती कर दी सही बात नाम कह रही तेरा देखो भैया बाबू भैया मेरा नाम है तेरा नाम कैसे रखता है मैं पप्पू हूँ पप्पू बिल्कुल बहुत चांगला बहुत अच्छा आदमी है आपका नाम क्या भैया हाँ आपका अरे शर्माओ मत बोलो क्या नाम है तुम्हारा मैं बाबूराव गणपत राव आपते डर गया थोड़ा सा डर लगता है मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है वो देखो चांद है उस पे मैं तुम्हें खेत दूंगा तुम सिर्फ बेवकूफ बना सकते हो मैं जो बोलता हूँ मैं करता हूँ कैसे Can you explain? वहां तुम आलू उगाओगे वहां मैं मशीन लगाऊंगा और फिर आलू को वापस हम गुजरात में लाएंगे भाई साहब क्या क्या उदाहरण आप दे रहे हैं हमारी समझ में नहीं आता अब भाई देखो तुम किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात बहुत प्यारी बोली है अगर तुम्हारी फेवरेट पार्टी नहीं भी जीती तो उदास मत हो यार ये लोकतंत्र है पार्टियां आएंगी जाएगी मगर देश रहना चाहिए तो बस यार ऐसे खुश रहो तबाही मचाते रहो सपने पूरे करते रहो और इस भाई को मत भूल जाना यार